हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं ओमवीर, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि 2023 स्टार्ट हो गया है और 2023 में रेलवे एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है वो कितनी है। देखिए, जनवरी के महीने की सैलरी स्लिप आज की है और सैलरी भी आज की है, तो मैं आपको वो प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। और जो आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपको कितना पैसा मिलने वाला है और किस पोस्ट को सबसे ज़्यादा मिलने वाला है पैसा और किस पोस्ट को सबसे कम मिलने वाला है, तो ये सारी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा क्योंकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। तो देखिए, मैं आपको बता दूं जनवरी 2023 की जो मेरी पे स्लिप है वो क्या है। देखिए, ये मेरा ही नाम है, ओमवीर सिंह नाम है, और ये मेरी पे स्लिप है। तो देखिए, जो मुझे मिला है, पहले तो मैं आपको बता दूं मेरा जो बेसिक है वो 19,700 है, लेकिन जो आपको जो बेसिक मिलेगा वो 18,000 मिलेगा। यहाँ DA यानी कि डियरनेस अलाउंस जो मुझे मिला 7486 रुपये है, आपको जो मिलेगा वो 38%। देखिए, फिलहाल चल रहा है, जनवरी में 4% बढ़ गया जो कि मार्च में लगे। जनवरी में जो बढ़कर हुआ है ये 42% हो गया है, तो ये 42% के हिसाब से आपको कैलकुलेट किया जाएगा। इसके बाद में ₹1,800 रुपये मिलता है। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट अलाउंस जान के आने जाने के लिए आपको 1,242 रुपये, और स्पेशल मैं गेट पर हूँ, गेट पर पोस्टिंग है मेरी, तो स्पेशल गेट कीपर अलाउंस है जो मुझे, ये 1,000 रुपये मुझे मिलता है। लेकिन ये आपको नहीं मिलेगा क्योंकि अगर आप गेट पर पोस्टिंग होंगे तभी आपको मिलेगा। ये नाइट ड्यूटी अलाउंस, अगर आप नाइट करते हो तो नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है। देखिए, मुझे जो मिला है 2,461 रुपये नाइट मिली है, मेरी लगभग 15 नाइट थी। तो देखिए, एवरेज जो नाइट अगर लगाऊं तो मैं 130 रुपये पर नाइट के हिसाब से आपको पैसा दिया जाता है। इसके बाद में देखिए, NHA यानी कि नेशनल हॉलीडे अगर कोई पड़ता है किसी महीने में तो उसका 384 रुपये आपको अलग से दिया जाता है। इसके बाद में हार्ट से अलाउंस होता है, यानी कि जो इंजीनियर विभाग में होते हैं उनको ये 2,700 रुपये दिया जाता है। देखिए, जो अदर पोस्ट पर होते हैं जैसे पॉइंट्समैन हो गए तो उनके लिए ये अलाउंस नहीं दिया जाता है। जो हॉस्पिटल असिस्टेंट होते हैं उनके लिए ये लगभग 4,000 रुपये के आसपास दिया जाता है, क्योंकि संक्रमण फैलने के चांस रहते हैं, तो वहां पर 4,000 रुपए उन्हें अलग से दिया जाता है। इसके बाद में देखिए, जो मेरी कटौती होती है वो होती है, एक 30 रुपए की एक होती है और 2,719 रुपए की एक होती है। जो मेरी ग्रॉस पे सैलरी बनी है वो बनी है 36,773 रुपए, लेकिन यहां डिटेक्शन के बाद में जो मेरी नेट पे सैलरी है वो बनी है मेरी 34,024 रुपए। तो इतना सैलरी मुझे आज की डेट में मिल रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि जो आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपको कितना पैसा मिलने वाला है। तो देखिए, जो आपकी ज्वाइनिंग होगी मार्च के बाद ही आपकी ज्वाइनिंग हो पाएगी, तो जब तक जो DA है आपका 42% हो जाएगा, तो जो मार्च के बाद लगभग जो आपकी सैलरी बनेगी वो एक्यूरेट मैं आपको बताने वाला हूं कि कितनी आपकी सैलरी बनेगी। देखिए, जो आपका बेसिक होगा वो होगा आपका 18,000 रुपए, और DA जो मिलेगा आपके लिए, जो मिलेगा देखिए, DA 18,000 जो आपकी बेसिक होती है उस पर काउंट किया जाता है, तो ये आपका 42% हो जाएगा। तो ये आपको जो DA होगा जो 7560 रुपए आपको मिलने वाला है। इसके बाद में HRA, देखिए HRA आपको 1,800 रुपए मिलेगा। देखिए, HRA सबसे लोएस्ट 1,800, अगर आप सिटी में जॉब करते हैं तो वहां पर आपको HRA 5400 रुपए भी मिल सकता है। आपके पोस्टिंग के हिसाब से डिपेंड करेगा कि आपकी पोस्टिंग कहां पर हुई है। इसके बाद में देखिए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है 1,200 रुपए, और देखिए TA ट्रेवलिंग अलाउंस ये आपको मिलता है 500 रुपए पर डे, यानी कि आप अपने स्टेशन से अगर अदर स्टेशन पर ड्यूटी करने जाते हो, कहीं और जगह ड्यूटी करने जाते हो, तो वहां पर आपको पर डे के हिसाब से 500 रुपए दिए जाएंगे। ये फिक्स नहीं है कि आपको कितने दिन बाहर काम करने के लिए जाना पड़ेगा, बाहर काम होगा, आपकी जरूरत होगी तो वहां आपको बुला लिया जाएगा। और देखिए, हो सकता है 10 दिन भी, 15 दिन भी, 20 दिन भी, 25 दिन भी आपको अपने स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर काम करने के लिए जाना पड़ सकता है। अगर 25 दिन जाते हैं तो लगभग आपके 12,500 रुपये ये एक्स्ट्रा बन जाएंगे। और देखिए, आपका अगर NH पड़ता है किसी महीने में तो 384 रुपये पर NH के हिसाब से मिलते हैं। इसके बाद में हार्ट से भी अलाउंस होता है, देखिए आपको 2,700 रुपये हार्ट से अलाउंस मिलेगा। इसके बाद में देखिए, आपकी अगर नाइट लगती है तो देखिए, नाइट जो लगती है वो सर्दियों के मौसम में ही लगती है, गर्मियों में बहुत कम नाइट लगती है, वो कोई चांस होता है कि गर्मियों में नाइट लगे, नहीं तो ये सर्दियों में ही नाइट लगती है। तो अगर आपकी नाइट लगती है तो उसका ये 130 रुपये के हिसाब से अलग से आपको पेमेंट किया जाएगा। तो देखिए, ये मैंने इसमें नाइट नहीं ली है क्योंकि नाइट हर किसी को नहीं मिलती है, और देखिए किसी किसी को ही नाइट मिल पाती है, तो इसलिए मैंने नाइट इसमें काउंट नहीं किया है। तो जो आपकी टोटल सैलरी जो बनेगी, आपकी जो फर्स्ट मंथ की जो सैलरी बनेगी वो बनेगी, टोटल ऐड करेंगे तो 31,260 रुपये आपकी फर्स्ट मंथ की सैलरी बनेगी, यानी कि पहले महीने में आपको इतना पैसा मिलने वाला है। तो देखिए, ये आपको इतनी सैलरी मिलेगी। अब देखिए, इसके बाद में होगा क्या, आपका एक NPS अकाउंट ओपन होगा, जो कि आपकी जो सैलरी आ जाएगी फर्स्ट, उसके लगभग 2 से 3 महीने में वो अकाउंट स्टार्ट हो जाता है, किसी का 4 से 5 महीने भी लग सकते हैं। तो वहां पर आपके जो डिटेक्शन होंगे तभी आपकी जो सैलरी कटेगी वो कटेगी। वो कटती कितनी है तो देखिए, जो NPS के बाद में जो आपकी सैलरी जो कटेगी, बेसिक प्लस DA का 10% आपकी सैलरी कटती है। इसी में देखिए, 10% कटने के बाद में
15% सरकार की तरफ से उसमें मिला करके आपके एनपीएस अकाउंट में जमा कर दी जाती है। तो ये जो कटेगी आपकी, देखिए 2556 रुपये आपके एनपीएस अकाउंट में कटने वाले हैं हर महीने एनपीएस अकाउंट के बाद में, जो आपकी नेट पे जो बनेगी इसके बाद में 31,260 में से 2556 रुपये अगर आप डिटेक्ट करेंगे यानी कि इतने पैसे आप काट लेंगे तो आपकी सैलरी जो बनेगी 28,704 रुपये बनने वाली, यानी कि 28,704 रुपये आपकी सैलरी बनेगी जब आपका एनपीएस अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो देखिए आपको पता चल गया होगा कि आपको क्या क्या मिलने वाला है और आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है, यानी कि स्टार्टिंग में कितनी मिलेगी और एनपीएस अकाउंट ओपन होने के बाद में आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है। देखिए ये सैलरी आपको इंजीनियर विभाग में मिलेगी यानी कि जो ट्रैकमैन उनके लिए मिलेगी। इसके बाद में अगर आप और किसी अदर डिपार्टमेंट पर अगर जैसे पॉइंट्स मैन हुए या फिर टीआईडी वगैरह और किसी डिपार्टमेंट में अगर आप सिलेक्शन लेते हैं तो फिर आपको ये हार्डशिप अलाउंस है ये 2700 रुपये नहीं मिलेगा, ये और आपकी सैलरी में से कम हो जाएंगे। तो 2700 रुपये आप यहां से कम कर लेंगे और जब एनपीएस अकाउंट हो जाएगा तो यहां से कम हो जाएंगे। लेकिन अगर टीआरडी में अगर आप जाते हैं तो उनका टीए भी बन जाता है। देखिए कुछ पोस्ट ऐसी होती है जिनका टीए बन जाता है तो उनकी सैलरी 40 से भी ऊपर निकल जाती है। तो देखिए रेलवे की ये तो फिक्स सैलरी है, जिनका टीए और वो टीआरडी वगैरह यानी कि जिनका ट्रैवलिंग अलाउंस यानी कि जो ड्यूटी रजिस्ट्रेशन से बाहर करते हैं तो उनके लिए ये एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है, तो उनकी सैलरी में एक्स्ट्रा मिलता है। जैसे किसी महीने किसी के 5,000 बनेंगे, किसी महीने किसी के 10,000 बनेंगे, 15,000 भी बन सकते हैं, 7,000 भी बन सकते हैं, 2,000 भी बन सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि आप अपने स्टेशन से बाहर काम करने के लिए जाते हैं। तो देखिए आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि जो आपकी सैलरी है वो कितनी बनने वाली है आपको इस समय ज्वाइनिंग के बाद में। तो आपको ये भी पता चल गया अगर ट्रैक में भर्ती होते हैं तो सबसे ज़्यादा पैसा मिलेंगे, अगर इसके अलावा पॉइंट्स में वगैरह में भर्ती होते हैं तो थोड़ा कम पैसा मिलेगा, तो 2700 रुपये मिलेंगे वहां। तो इस वीडियो में देखिए मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।